अज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बेहद अच्छे होंगे। मैं हार्वर्ड सी एस एस ऑनलाइन अकेडमी की तरफ से आपके हिस्बत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी बेसिकली सी एस एस में कंपलसरी पेपर है, यानी कंपलसरी मीन्स के लाजमी पेपर है, और इसके टोटल जो मार्क्स है वो है 100 मार्क्स, यानी टोटल जो वेटेज है वो है टोटल मार्क्स जो है वो है 100, यानी 100 मार्क्स का एक पेपर होगा इस्लामियात का, इस्लामियात कंपल्सरी का। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कोर्स कंटेंट या सिलेबस के हवाले से हम इस पर बात करेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर जो है कंपल्सरी है सीएसएस में, और इसके टोटल मार्क्स जो है वो है 100 मार्क्स है। अब हम उसके कंटेंट के हवाले से बात करते हैं, तो इसके मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट्स हैं। वन थिंग, एक चीज़ जो है जिसको मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कर दूँ कि फ्राम इस्लामिक स्टडी के बारे में, इस्लाम के बारे में जो कुछ हम बीए ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ते हैं, चाहे हम एमबीबीएस करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे हम जिस भी लेवल के पढ़ते हैं, तो इस्लाम के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम है, जो बेस अबाउट द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, ये तमाम चीज़ें जो है बेसिकली यही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सी एस एस लेवल पे एनालिटिकली उनको डिस्कस करना है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो गुड मार्क्स भी ले सकते हैं या लेते भी हैं, लेकिन फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको मैं आपके सामने आपसे शेयर करना चाहूँगा, दैट के इस्लामिक स्टडी में टोटली आपका जो फोकस है दैट मस्ट एंड शुड बी ओवर कंसेप्चुअल पे होना चाहिए, टोटल और आप एनालिटिकली कर लें। आप एक चीज़ को न बहुत ज़्यादा एंटी पे जाए, न बहुत ज़्यादा किसी फेवर कर ले, बल्कि इंटरमीडिएट पोजीशन पे, जिस तरह मुख्तलिफ सेक्ट्स है, आप सेक्टेरियनिज्म व्यूज पे ना जाए, किसी स्पेसिफिक सेक्ट को फॉलो ना करें, बल्कि डिफरेंट सेक्ट्स में को करके एक बैलेंस्ड व्यू कायम करने की कोशिश कर ले। और फिर जहाँ तक आपकी एक्सप्रेशन है तो कोशिश कर ले एक्सप्रेशन पावर पॉइंट सच हो, चाहे उर्दू इंग्लिश जिस लैंग्वेज में भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट के वहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है अबाउट द सेक्टेरियन हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम इंट्रोडक्शन के हवाले से ही, बिकॉज इस्लामिक स्टडी जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट थिंग जो है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के इंट्रोडक्शन के हवाले से है। अब इसमें फर्दर ही अगर हम कहते हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद मेन चीज़ ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन के लिए मज़हब की ज़रूरत क्यों है, यानी अगर आदम अलैहिस्सलाम से हम देखते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो लास्ट प्रॉफिट है, तो डिफरेंट पैगंबर आए, डिफरेंट मैसेंजर ऑफ गॉड आए, और फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स इन दे प्रेजेंट देयर ओन टीचिंग कम्युनिकेशन कम्युनिकेट की अल्लाह के पैगाम को इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट प्रैक्टिसेस। तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ द रिलीजन, रिलीजन की ज़रूरत क्यों है, क्या मज़हब के बगैर इंसान नहीं रह सकता, क्या मज़हब इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ बात करेंगे। फिर इम्पॉर्टेंट दीन और रिलीजन में क्या फ़र्क है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम ये डिस्कशन करते रहते हैं, लोग हमें कन्फ्यूजन होती है व्हाट इज़ रिलीजन एंड व्हाट इज़ दीन। सब चीज़ें इस तरह होती ना जो कि फ्रॉम गॉड से लेके जो कि परमानेंट है इन नेचर में, गॉड वन है, इसके अलावा डिफरेंट जो एथिक्स मोरलिटी के आस्पेक्ट से दे और परमानेंट, यू कॉन्ट चेंज, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अब बात चीज़ें जो होती हैं विद द टाइम उसकी होती है, मिसाल के तौर पर जो मजहब, जो रिवायात, जो प्रैक्टिसेस मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में डिफरेंट थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए डिफरेंट है, अगर हम आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट कर लें टिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए, तो डिफरेंट टाइम्स पे उनकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस थी, डिफरेंट पीपल्स के लिए उनकी थी। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे कि दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। फिर उसके बाद ये है कि इस्लाम की जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, जो कि जिसके बेस पे हम इस्लाम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अदर रिलीजन्स या फ्रॉम अदर ओ। फिर उसके बाद ये है जो बेसिक बिलीफ है, बेसिक आर्टिकल ऑफ इस्लाम है, जिसको हम कर सकते हैं जो फंडामेंटल ऑफ इस्लाम है, जिसके बेस पे हम किसी भी इस्लामिक सोसाइटी में जाते हैं, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं ऑन द पैटर्न, सम पैटर्न होते हैं
फाउंडेशन है ऑफ द इस्लाम, तो दीस के बारे में उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इस्लाम भी दो किस्म के, वन इज द मॉरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जब भी हम बात करते हैं वन थिंग इज मॉरल, एक अखलाकी की बात होती है, मॉरलिटी की बात होती है। तो ऑल द रिलीजन, जो लीडिंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड की हम बात करते हैं, तो मेजर इनको फोकस और मॉरलिटी सिस्टम के ऊपर और सम गाइडलाइन फॉर द ह्यूमन ह्यूमैनिटी के लिए, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम के अंडर जब हम कहते हैं। फिर उसके बाद जो है सोशल आस्पेक्ट भी है, आफ्टर मॉडर्न देयर इज सम सोशल आस्पेक्ट, बिकॉज बेसिकली वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी के पार्ट है, वी आर सोशल ऑर्गेनिज्म है, इस सोसाइटी में हम रहते हैं, वी हैव डिफरेंट रिलेशंस है, वी हैव डिफरेंट स्टेटस इन द सोसाइटी, वी हैव इंटरेक्शन विद डिफरेंट पीपल्स, मुख्तलिफ लोगों के साथ हम इंटरेक्शन भी करते हैं डिफरेंट टाइम्स में भी, तो इनके बारे में क्या है। एंड देन उसके बाद जो है वन थिंग इज फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है, दो आस्पेक्ट्स हैं, एक हमारा मटेरियल और एक नॉन मटेरियल आस्पेक्ट्स है। यानी अगर हम किसी बंदे को देखते हैं तो इनकी फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल है, तो एक इन दो के बारे में इस्लाम में बहुत ज़्यादा, जिसके बेस पे हम देखते हैं ना सूफीस्ट जो है, सूफी जो है इस्लाम में तसव्वुफ जो है मेन एम उनका क्या होता है कि दे मेन फोकस ओवर द नॉन फिजिकल जो पार्ट है, यानी एक रूह है जैसा है। अब ये दो पार्ट जो है इस्लाम में इस हवाले से क्या इंपॉर्टेंस है, इस्लाम में क्या डिस्कशन है और डिफरेंट रिलीजन में क्या है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इन द इस्लाम दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, और इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस्लाम, डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ रिलीजन मज़हब क्या है, फिर उनके डिफरेंट आस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे, हम डिटेलिकली इन बातों पर करेंगे कि इंसान की सोशल, इंसान की मॉरल नीड क्यों है, क्या नीड्स है और उसको नीड को फुलफिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्टेप्स है जिसको लेके इंसान जो है अपनी लाइफ को कर सकते हैं। तो फर्स्ट विल बी दैट, सेकंड विल बी द स्टडी ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सेकंड पार्ट जो है उसको, एक तो हम इंट्रोडक्शन टू इस्लाम की हम बात करेंगे, इस्लाम की इंट्रोडक्शन के हवाले से, सेकंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो है उसके हवाले से, उनके उसवा हुसना के ऊपर बात करेंगे, रोल मॉडल के ऊपर बात करेंगे। देन वी विल स्पेशली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लास्ट प्रॉफिट ऑफ द गॉड है, उनकी इंडिविजुअल जो लाइफ है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे, उनकी इनफरादी हैसियत पे बात करेंगे। दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, क्योंकि फर्स्ट जो रियासत मदीना की हम बात करते हैं, तो जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एस्टेब्लिश की रियासत मदीना, देन इट वॉज़ नॉट ओनली ये एक सिंपल सिटी स्टेट, और इन सिटी स्टेट दे इस्टेब्लिश रिलेशन विद डिफरेंट नेबर्स कंट्री के साथ, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है, उनकी ट्रेड्स भी उन्होंने इस्टेब्लिश की, इन्होंने इसके लिए एक जुडिशरी भी इस्टेब्लिश की, उन्होंने बाकायदे तौर पर डिफरेंट सिस्टम्स दी, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। एजुकेटर, बिकॉज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बेसिकली अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का काम क्या होता है, एजुकेटर, टू एजुकेट, मैसेंजर होता है अल्लाह का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाना, उनको कम्युनिकेट करना, दैट्स आल्सो देयर कैपेसिटी में था। फिर उनकी डिफरेंट मिलिट्री स्ट्रेटजीज है, आज अगर हम मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो डिफरेंट वार्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में, दैट टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलिट्री स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजिकली जिस तरह वार में उनकी पार्टिसिपेशन होती थी, जिस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर। फिर पीस मेकर, इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को एक मैसेज दिया, अमन का पैगाम जो है, पीस मैसेज जो है, जिसके बेस पे यूनिवर्सलिज्म की हम बात करते हैं, जिसके बेस पे अदब और अजम के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है उसका आत्मा, तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होगा आफ्टर द इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, दैट विल बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनकी उसवा हसना सिरत पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। थर्ड जो है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इस्लाम, आमतौर पर जब भी हम बात करते हैं तो ये इस हमेशा ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर, और फिर उसके बाद जो है वुमेन राइट्स, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इन द करंट या ग्लोबल वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं, तो वुमेन राइट्स भी और ह्यूमन राइट्स भी। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स इन द इस्लाम, इस्लाम ने देखो फर्स्टली एस्टेब्लिश किया, उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हम देखते हैं अरब अपने बेटियों को वुमेन के साथ उनकी जो एक इन्फीरियर
आस्पेक्ट थी, इन्फीरियर जो उनकी ट्रीटमेंट थी, और वो जिंदा उनको दबाते। लेकिन उस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए देश में द फर्स्ट टाइम के औरत वो अपनी औरतों को इज्जत दी उन्होंने जायदाद में, और हैसा इससे पहले वो अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ पे एक ट्राइबल सिस्टम है। जैसा हम भी ट्राइबल सिस्टम में रहते हैं, एंड वी नो अबाउट अ ट्राइबल सिस्टम कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो खान नवाब वगैरह हैं वो उनको राइट्स नहीं देते हैं, उनको उसी तरह की स्टेटस नहीं सोसाइटी में उनकी, इसलिए उनकी तो उस टाइम में उसने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की सोसाइटी में उनके पास नहीं थी, एंड देट वॉज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने दी। तो इस्लाम में ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वुमेन राइट्स के जो कॉन्सेप्ट है, और फिर उसके बाद मेन और वुमेन की जो रिस्पेक्ट है, बिकॉज बोथ जो है मेन एंड वुमेन जो है दे आर इक्वल, उनकी जो है उनकी डोमेन जो है उनकी सर्कल जो है अ डिफरेंट है। तो उस हवाले से इस्लाम में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स। फोर्थ जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर क्या चीज़ है, और फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन जिसकी डेवलपमेंट हुई, इस्लाम बेसिकली इज अ रिलीजन जब आया अरब में, और फिर वहाँ से हम देखते हैं कि बगदाद जिस वास बैतुल हिकमा जिसको हम कहते हैं, देर वाज सेंटर ऑफ लर्निंग कि वहाँ हो जाती है, और डिफरेंट मुसलमान जो है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आके वहाँ इस्लामिक एजुकेशन हासिल करते हैं, वहाँ लर्निंग करते हैं। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड इस्लामिक कल्चर का जो सेंटर, इस्लामिक कल्चर की जो डेवलपमेंट होती है और इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद इनकी जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं ना सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट रोल है, फिर उसके बाद कम्युनिटीज़ है, फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आए इस्लाम में और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो देन विद द इस्लाम उनकी भी डिवेलपमेंट हो गई, उन्होंने अपनी स्टेटस चेंज की। फिर उसके बाद जो है इस्लाम में तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, वननेस ऑफ गॉड, दैट्स बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे सोसाइटी में डिफरेंट सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स जो है उसके अंदर चेंजेस आए, एंड वी ऑब्जर्व, और हमने ऑब्जर्व की कि दैट्स बेसिकली ये जो चेंजेस है इट इज़ रूट टू द कॉन्सेप्ट की वजह से है, कि जब हर चीज़ में वननेस ऑफ गॉड है तो इट मीन्स दैट कि एवरीवेयर हर चीज़ की एक क्रिएटर होती है, क्रिएटर है, और हर चीज़ को पैदा करने वाला एक ही बंदा है, एंड दैट्स गॉड है। तो इससे, और फिर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे पहले अरब में जिस तरीके से मेल फीमेल के दरमियान जो फीमेल को खासकर जो है इक्वलिटी हासिल नहीं थी, तो ऑल थिंग्स थी जिसके बेस पे सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई और हमने फील की। सोशल जस्टिस का सिस्टम था, उसके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इवन अगर फातिमा जो उसके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लॉर्डली बेटी थी, अगर ये भी चोरी कर दें तो अब इसकी सज़ा भी जो है वही होगी जो एक आम औरत की सज़ा होगी। उससे पहले नवाब खान और फटेरा सिस्टम में हम देखते ट्राइबल सोसाइटी में नो सच इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं है, अपने कर जाते हैं तो वो छूट जाते हैं, पढ़ाई कर जाते हैं तो उनके लिए कानून भी है, उनके लिए कायदे भी है, उनके लिए सजाई भी है। तो दैट्स वाज द फर्स्ट कि इस्लाम ने सोशल जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इक्वालिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस की, अरब अजम सिस्टम को अरब और अजम के दरमियान जो डिफरेंसेस है उन पर कंट्रोल की, और फिर काले और सफ़ेद के दरमियान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु की मिसाल हमारे सामने है कि बिलाल जब अजान नहीं देता उस वक्त तक अल्लाह ताला जो है उस वक्त तक जो है दिन का आगाज़ नहीं होता है, बिलाल रज़ियल्लाहु का अजान जो है वो लाजमी है। और हम देखते हैं कि बिलाल रज़ियल्लाहु हबशी थे लेकिन जब इस्लाम में है तो हर मुसलमान उसको दिल से लगाता है, और फिर जब हिजरत के बाद हम देखते हैं कि वहाँ वो मक्की, वो मदनी, वो मुहाजिर, वो आपस में एक भाईचारे का फिजा कायम होता है और एक दूसरे की हेल्प, तो ये हेल्प ये ब्रदरहुड का ये जो सिस्टम है जैसे जो इस्लाम की वजह से है, और इस्लाम में पे टॉलरेंस का है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जब हम दूसरे के लिए पीस, जब हम दूसरे को टॉलरेंस कर लें, जब दूसरे को एक्सेप्ट करें, तो दूसरे को सुने। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर में यहूद ज्यूस आए एक दफ़ा और मस्जिद नबवी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते थे एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, एज अ सेंटर ऑफ के तौर पर इस्तेमाल इस तरह नहीं था जिस तरह आज कल हम मसाजिद को मुख्तलिफ फ़िरका वानियत के नाम पर चढ़ा देते हैं, डिफरेंट फैक्ट्री के, और एक फ़िरके का बंदर दूसरे फिरके की मस्जिद में जब जाता है तो उनको डर से लग जाती है, वो डरता है ऐसे ना हो कि वहाँ भी जाऊँगा क्या ट्रीटमेंट मेरे साथ होगी, तो दैट्स बेसिकली नॉट द प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस नहीं था। जब वहाँ पर यहूदी आए, ज्यूज आए, उनकी डेलीगेशन आई, तो उनके इबादत का जब वो कहते हैं उसके पास उन्हें इजाज़त दी विद इन द मस्जिद नबवी, तो इसका मतलब ये होता है कि मस्जिद को
कि ये इक्वलिटी की ये टॉलरेंस है, ये एक्सेप्टनेस ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच अदर है, तो ये इस्लामिक सिविलाइजेशन और इस्लामिक कल्चर की जो डेवलपमेंट हुई यानी 1400 ईयर्स के तक पीरियड्स में इस्लाम की जो डेवलपमेंट हुई, इसकी जो डिफरेंट कल्चरल डेवलपमेंट होती है, सिविलाइजेशन डेवलप होती है, पीस है, टॉलरेंस है, इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फाइव जो है इस्लाम इन वर्ल्ड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक है इस्लाम इन वर्ल्ड। आजकल के दौर में हम आमतौर पर ये कहते हैं कि इस्लाम एंड वर्ल्ड, इस्लाम और आज के करंट जमाने की हम बात करेंगे। इस्लामिक सिविलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया पे, खासकर वेस्ट पे, और वेस्ट के साथ इस्लाम की जो रिलेशन है उसके ऊपर हम बात करते हैं। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लाम की जो इम्पोर्टेंस है, खासकर इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि जब 9/11 का वाक़या होता है, टेररिज्म को एसोसिएट करते हैं विद द इस्लाम, तो ऑल लोग वी नो दैट इस्लाम बेसिकली सलम से, एंड सलम मीन्स अमन सलामती, तो इस्लाम की कोई इस्लाम नो रिलेशन विद टेररिज्म, विद किलिंग, विद मर्डर, विद ब्लड। लेकिन इस्लाम को जिस तरीके से किया जाता है, खासकर इस्लामिक फोबिया के नाम पे जिस तरीके से नेगेटिवेशन के साथ उनकी की जाती है, तो ये ज़रूरत है कि हम इस्लाम और वर्ल्ड की इम्पोर्टेंस को मौजूदा दौर में इस्लाम की जो इम्पोर्टेंस है दुनिया में उसको एक्नॉलेज करें, उसके बाद उसको हाईलाइट करें, और खुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड को जो चैलेंजेस फेस है आफ्टर 9/11, मुस्लिम वर्ल्ड में हम देखते हैं दे फेस डिफरेंट अलॉट ऑफ चैलेंजेस है, और इसके मेन चैलेंज क्या है, एक्सट्रीमिज्म का है, और एक्सट्रीमिज्म है, सेक्टेरियनिज्म है विद इन द इस्लामिक सोसाइटी टुडे। वी आर फर्स्ट देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस, वी आर नॉट मुस्लिम, पहले हम मुसलमान नहीं है, वी हमारी जो आइडेंटिटी है आइदर इनको किसी ने भी, इनको आइदर मीडिया ने की है या इनको आइदर किसी तरीके से इसको बिल्डअप किया गया है, लेकिन द फैक्ट इज़ दैट कि हम फर्स्ट हमारी जो आइडेंटिटी है वो सेक्टेरियनिज्म। वैसे अब इन तरीके से जो इस्लाम के जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस है, फिर उसके अलावा डिफरेंट जो चैलेंजेस है इस्लामिक वर्ल्ड को, और खासकर मौजूदा दौर में जो इस्लामी शरिया सिस्टम है, जिस तरीके से हम बैंकिंग सेक्टर पे देखते हैं सूद का सिस्टम है पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोब में है, आज जो मुसलमान मुल्कों का कोशिशें होती है लेकिन उसको हम मुकम्मल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उसके लिए जिस तरह अब इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ, अब ये जो है बेसिकली चैलेंज है मुस्लिम वर्ल्ड, तो इस पर हम बात करेंगे। और सिक्स नंबर जो टॉपिक है, छठा टॉपिक जो है, दैट्स बेसिकली द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस सिस्टम इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का सिस्टम है इसके ऊपर हम बात करेंगे, मिसाल के तौर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, फिर उसके बाद कुरान और गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से इक्वलिटी, ऑल मेन को जो है इक्वल स्टेटस देना, दैट्स बेसिकली कुरानिक टीचिंग, इस्लामिक टीचिंग, इक्वलिटी टीचिंग है। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है सुन्ना और फिक्का के हवाले से, जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस है, फिर उसके बाद शरिया है, लेजिस्लेशन का सिस्टम है, सोर्सेज ऑफ लॉ है, इस तरीके से हम फार्मूलेट करते हैं इस लॉ को, तो दिस बेसिकली टीचिंग ऑफ द इस्लाम है। फिर उसके बाद जो है खिलाफत का सिस्टम, जो बेसिकली द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ के बाद अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने जो गवर्नेंस सिस्टम एस्टेब्लिश किया डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर इसके बाद ये है कि रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट, जो लोग इस सर्वेंट होते हैं उनकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, आइदर वो लोग जो है जस्ट फॉर द सर्विसेज हैं, या उनकी रिस्पांसिबिलिटी ये भी है कि टू लीड द पीपल टुवर्ड द एक गुड एंड की तरफ, एक सोशल जस्टिस की तरफ ले जाना, तो इसके ऊपर भी। तो छठा टॉपिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन द इस्लाम, और फिर उसके बाद इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ के ऊपर हम बात करेंगे। तो सेवन टॉपिक है वो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ का मतलब ये इस्लाम में जो कोड ऑफ लाइफ है उस हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम ने एक कोड ऑफ लाइफ, तो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ क्या है, इस्लाम की चंद इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, इस्लाम की चंद इम्पॉर्टेंट है, मिसाल के तौर सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो ये तमाम चीज़ें जो है कोड ऑफ इस्लाम है।
जिसके बेस पे इस्लामिक सोसाइटी के अंदर एक एक कोलेरेबियम इक्वल सिस्टम जो है एस्टेब्लिश है। फिर उसके बाद इजमा और इज्तिहाद है, यानी सच टाइम बाज का क्या होता है कि सम टाइम हमारे पास कोई इस तरह की इशू आ जाती है जिसके बेस पे हम कुरान और हदीस में उनकी सोल्यूशन नहीं है, तो फिर उसके लिए इजमा और कियास और इज्तिहाद है। इज्तिहाद का मतलब जहद, ओपन रीजनिंग, इंडिपेंडेंट रीजनिंग। जब हमारे पास तो कोर इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ मींस के हाउ टू, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, इस्लाम किस तरीके से हमें जुडिशरी, किस तरीके से इस्लाम की टीचिंग है अबाउट द इकॉनमी, किस तरीके से इस्लाम की टीचिंग है अबाउट द सोशल वैल्यूज, सोशल सिस्टम। तो बेसिकली इस्लामिक स्टडी का जो पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स है, उसमें 7 टॉपिक्स है। 7 टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, फिर उसके बाद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उसमें हुसना है, देन द ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वमेन इन द इस्लाम है, फिर उसके बाद जो है इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर है, फिफ्थ नंबर जो है इस्लाम और वर्ल्ड जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है, यानी आज के इस्लाम जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ उनकी जो रिलेशन है, और जो छठा टॉपिक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस और गवर्नेंस सिस्टम जो है, जो इस्लाम ने गवर्नेंस का सिस्टम दिया, और 7 टॉपिक जो है वो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ है। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ के हवाले से इस पर हम बात करेंगे। अब ये तो हो गया कोर्स कंटेंट। अब इसके बाद हम बुक्स की बात करते हैं। ऑल दो डिफरेंट बुक्स हम कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट बहुत ज़बरदस्त राइटर्स हैं। जो इंपॉर्टेंट किताब है जैसे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय हमीदुल्लहान, हमीदुल्लहान साहब ने किताब लिखी हुई जिसको इंट्रोडक्शन टू इस्लाम कहते हैं, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अ लॉट ऑफ एरियाज जो है उसे हम कवर कर सकते हैं इस हवाले से। इसके अलावा जो डिफरेंट बुक्स हैं मिसाल के तौर पर उसमें हम पढ़ सकते हैं कि इस्लाम इन द इकोनॉमिक चैलेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि आज के दौर में जो इकॉनमी इन इस्लाम के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उस पर हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस्लामिक लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट बुक है मदोरी साहब की, जिसको हम पढ़ के बहुत ज़बरदस्त, खासकर इस्लामिक लॉ के हवाले से, सोर्सेज ऑफ लॉ के हवाले से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म के कर सकते हैं किताबें जो है, इस्लामिक रिपब्लिकन पॉलिटिक लॉ एंड इकॉनमी, ये भी डॉक्टर हुसैन फरूक साहब की बहुत ज़बरदस्त किताब है, बुक है। तो दैट्स, लेकिन मैं जो आपके करूँगा कि बेसिकली जो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम हमीदुल्लाह साहब की बुक है, दैट्स कवर करता है ऑल द आस्पेक्ट। इसके अलावा अगर आपकी फर्दर इंटरेस्ट है तो यू कैन आप स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट जो बुक्स हैं, जो डिफरेंट किताबें हैं जो मुख्तलिफ किस्म के राइटर्स के हवाले से है, तो आप उसके स्टडी कर सकते हो। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन चूँकि स्टडी वाइज अगर हम कहते हैं फॉर स्टडी वाइज माई सजेशन विल बी, जो है सजेशन यही होगी कि आप जो है कोशिश करें, आप फोकस करें इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। और इसके अलावा फ्राइडे फीचर जो है, फ्राइडे के दिन जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर खासकर डॉन में, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के दीगर न्यूज़पेपर में फ्राइडे के हवाले से जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे, डिफरेंट इस्लामिक उस पर आती है, तो वो भी आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसकी भी है। और इसके अलावा जो है और भी अगर अच्छी किताबें आपको मार्केट से अवेलेबल हो, अच्छे स्कॉलर्स हो, उनको भी आप लिसनिंग कर सकते हो, तो दैट्स गुड है और ये आपके लिए। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी हमने की, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 7 टॉपिक्स है और फिर उसके बाद बुक्स है। अब आते ही मैं किस तरह करूँगा, मैं जो स्टडी का जो होगा, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ बीइंग अ टीचर या बीइंग, दैट्स विल बी कि मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा, कोशिश करूँगा कि इंपॉर्टेंट जितनी भी टॉपिक्स है रिलेटेड टू द इस्लाम के हवाले से है, रिलेटेड टू द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाले से है, रिलेटेड मुस्लिम इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के हवाले से है, रिलेटेड टू द इस्लामिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इस्लाम के हवाले से, जो रिलेटेड टू द इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ के हवाले से है, तो इन तमाम को कोशिश करूँगा कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में आपके सामने पेश कर सको। बिकॉज बैलेंस में इस तरीके से अगर हम इसको लाए, दैट्स विल बी गुड है कि हम उसको इस अंदाज में पेश करें कि राइटर के माइंड में जो आल कन्फ्यूजन है उसको हम कर सकें। तो ये इंशाल्लाह हम तमाम टॉपिक्स करेंगे, और हमीदुल्लाह साहब की इंट्रोडक्शन टू इस्लाम जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तब आप पढ़ लें, बिकॉज द बुक जो है इस बुक कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो इसमें आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स,
तो हार्वर्ड एकेडमी जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लीडिंग एकेडमी है ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, क्योंकि मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि एक तो सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लोग लिमिटेड है, घरों में हैं और एक टफ टाइम है। तो इस टफ टाइम में हम घर बैठ के इजीली अगर प्रिपरेशन आप कर सकते हो तो आप रब्ता कर लें, एंड जो उनके जो गिवन जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लें, वेबसाइट पे जाके forward.com वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, forwardacademy.com वहाँ से कर लें। तो इसके अलावा जो है जो चैनल्स है यूट्यूब चैनल्स वहाँ भी आप जो है वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके लिए ईजी रहे तो आप कोशिश कर लें कि आप वहाँ से रब्ता कर लें और अपने आप को रजिस्टर कर लें और एक ईजीली घर बैठ के जो है तैयारी करें। तो इंशाल्लाह इस हवाले से हमारी जो कोर्स है इस्लामिक स्टडी जो कि 100 मार्क्स का है, जो कि कंपलसरी है, यानी कंपलसरी मीन्स कि ये आपके लिए लाजमी सब्जेक्ट है, तो इसमें ये 7 टॉपिक्स जो है इंशाल्लाह हम इनको कवर करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को रेफरेंस बुक भी दूँ, टाइम टू टाइम रेफरेंस आर्टिकल्स के हवाले से भी बताऊँ, ताकि आप लोगों को नॉलेज जो है अबाउट द इस्लाम, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, अबाउट डिफरेंट जो इस्लामिक टॉपिक्स है उसके ऊपर आपके माइंड के अंदर जो कन्फ्यूजन्स है वो रिम्यू हो सके और आप एक बैलेंस्ड व्यू जो है वो डेवलप हो सके, एक बैलेंस्ड पैराडाइम आपके माइंड के अंदर उसकी डेवलपमेंट हो सके और आप इसके काबिल हो सके कि आप इस्लामिक स्टडी के पेपर को विद गुड मार्क्स विद गुड ग्रेड आप जो है उसको पास कर सके। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आए हैं यू कैन आस्क मी फ्री ऑफ हेजिटेशन, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आई विल गिव आंसर, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। इस्लामिक स्टडी के हवाले से जो मेन कन्फ्यूजन है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के हवाले से वो बैलेंस में हम नहीं रहते, क्योंकि हम जो स्कूलिंग है या हम जो यही टॉपिक जो है यही 7 टॉपिक्स हम फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच नहीं है। देयरफॉर जब हम लिखते हैं तो हम इम्बैलेंस की तरफ चले जाते हैं, जब हम लिखते हैं तो हमारी दरमियान और बैलेंस जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती, हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो देयरफॉर फेलियर सूरत में होती। लेकिन ये भी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कोशिश कर ले बैलेंस में रहें, किसी सेक्टेरियनिज्म बेस पे कभी भी किसी आस्पेक्ट पे बात ना करें, कोशिश ये रखें कि आप एक बैलेंस एक व्यू का एस्टेब्लिश करें, एंड कोशिश ये कर लें कि डिफरेंट स्कॉलर्स को पढ़ लें, कोट कर लें हदीस को एक कुरान जहाँ पे आप, क्योंकि विदाउट कोट या विदाउट एविडेंस अगर आप बात करेंगे तो इस बात के अंदर इतनी वजन या वेट नहीं होती है। अगर आप कोट करोगे तो इट इज़ गुड गुड भी हैं और इट इज़ वन ऑफ, इसके अंदर एक वेटेज सी होती है और आपके अंदर जो है एक मोटिवेशन सी आपको मिल जाती है, और जो एग्जामिनर होगा वो भी अट्रैक्टेड होता है कि इस बंदे को नोज है अबाउट द इस्लाम, अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। सो मैं आपसे ये करूँगा कि आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश कर लें कि आप कोट कर लें ईच एंड एवरी जो बात करते हो, और कोट करने का मतलब ये होगा कि यू हैव नॉलेज एंड यू नो एनी फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, विदाउट फ्रेंड्स आप बात नहीं कर रहे हो। तो इंशाल्लाह इस तरीके से हम इस्लाम स्टडीज़ के कोर्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।